अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ करना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले दोस्तों खबर कतर से जो है दोस्तों, वो करेंसी रेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कतर की करेंसी रेट अभी क्या चल रही है? तो साथियों, यदि आप यूएसए के, यदि एक कतर रियाल यूएसए के हिसाब से देखा जाए तो 0.27 रुपये हो जाएगा। इंडिया के मनी हिसाब से दोस्तों हो जाएगा 20 रुपये 44 पैसे। फिलीपींस का 13 रुपये 34 पैसे। बांग्लादेश का 23 रुपये 27 पैसे। नेपाल का 32 रुपये 86 पैसे। पाकिस्तान का 41 रुपये 99 पैसे। और श्रीलंका का 55 रुपये 5 पैसे हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक कतर रियाल इक्वल टू दोस्तों हर देश का वैल्यू मैंने आपको बता दिया। तो जिस देश ताल्लुकात रखते हैं दोस्तों, आप कतर के वैल्यू आप देख सकते हैं। अगली खबर साथियों और दोस्तों बताना चाहूंगा, शुरू हो गई कुवैत से भारत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अभी कभी केरल उड़ान के लिए। दोस्तों, यदि आप कुवैत में कोई भी जान पहचान वाला है तो दोस्तों मैं आपको एक खबर बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, जो प्रवासी खाड़ी देश में फंसे उनके लिए एक वृद्ध अच्छी खबर सामने आ रही है। यह खबर कुवैत से जा रहे पर भारतीय प्रवासियों को फ्लाइट शुरू की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने ट्वीट हैंडल के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि कुवैत भारत यात्रा के लिए उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। तो साथियों, यदि आपका कोई भी जान पहचान वाला यदि कुवैत से आना चाहता तो आ सकता है। डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दी गई है। यदि आप कभी भी कुवैत से इंडिया आना चाहते तो आ सकते हैं। आगे बताते दोस्तों, कुवैत भारत से अलग अलग स्थानों के लिए उड़ान भरेगी। तो यदि आप दोस्तों कुवैत से इंडिया आना चाहते हो तो टिकट को बुक कर सकते हैं और आ सकते हैं। अब साथियों, कोविड-19 की ताज़ा अपडेट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अभी क्या है, तो नया केस वहाँ पे 940 आया है। एक्टिव केस वहाँ पे 18,401 है। रिकवरी 527 हुआ है। न्यू डेथ वहाँ पे 8 है। मतलब दोस्तों 8 लोगों की मौत हुई, जो बहुत ही ज़्यादा आंकड़ा बताया जा रहा है। टोटल डेथ की संख्या 320 है। टोटल वहाँ पे 186,201 केस अब तक आ चुका है। अभी तक वहाँ पर 17,80,877 लोगों का कोविड का जांच किया जा चुका है। अब साथियों, डेली गोल्ड प्राइस के बारे में हम लोग रेट हम लोग जान लेते हैं। तो 24 KT 1 ग्राम इक्वल टू है 203 रुपये 61 पैसा। 22 KT 1 ग्राम 186 रुपये 69 पैसा। 21 KT 1 ग्राम इक्वल टू 178 रुपये 33 पैसा। 18 KT 1 ग्राम इक्वल टू है 152 रुपये 79 पैसा है। अगली खबर साथियों, न्यूजीलैंड एंड पीएम जैकिंडा एड्रेन टेम्पोररी सस्पेंडेड एंट्री फॉर ऑल ट्रैवलर फॉर इंडिया। दोस्तों, एक काफ़ी बुरी खबर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने दोस्तों, जिनका जो पीएम है जैकिंडा एड्रेन, उन्होंने जितनी भी इंडिया से फ्लाइटें जो भी आ रही थी उन सभी फ्लाइटें को टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया। यानी दोस्तों, जब तक कोई अगला नोटिस नहीं आया था तब तक जितनी फ्लाइटें जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जितनी फ्लाइटें आ रही थी या जा रही थी सभी फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों उसी तरह का नेक्स्ट वीडियो को लेकर, नेक्स्ट कतर की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।